जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों आजकल घरों में स्नानघर और शौचालय एक साथ होना आम बात हो गई है, लेकिन वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार इससे घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। इस संदर्भ में आज हम वास्तु के कुछ नियम जानेंगे, कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे कि आपके वास्तु के अनुसार जो आपके घर का बाथरूम है वो किस हिसाब से होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ललित शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑल प्रॉब्लम्स वन सॉल्यूशन में स्वागत करता हूँ। दोस्तों भवन में शौचालय के अंदर सीट हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में देखते हुए लगानी चाहिए। आपका जो बाथरूम है उसमें वॉश बेसिन जो हाथ धोने का स्थान होता है उसे ईशान कोण या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। बाथरूम में गीजर आदि को अग्नि कोण में लगवाना चाहिए। मकान में या बाथरूम में शीशा या दर्पण हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की दीवार पर ही लगवाना चाहिए। मकान में रसोई एवं स्नानघर या टॉयलेट कभी भी एक साथ नहीं होने चाहिए, उनकी दीवार एक नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे गीजर, वॉशिंग मशीन या बाथरूम हमेशा दक्षिण पूर्व दिशा यानी अग्नि कोण में रखे जाने चाहिए। शौचालय का दरवाज़ा हमेशा बंद रखना चाहिए एवं शौचालय को कभी भी पूर्व या उत्तर की दीवार से सटा हुआ नहीं होना चाहिए। मकान में शौचालय यदि गलत दिशा में बना है तो घर के अधिकतर सदस्यों को पेट खराब रहेगा एवं प्रगतिशील में बाधा आएगी। स्नान घर में हमेशा नीले रंग की बाल्टी रखना बेहद लाभकारी होता है, इससे घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। बाथरूम में बाल्टी को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, इसे हमेशा भर कर रखना शुभ माना जाता है। स्नान घर के दरवाजे के ठीक सामने दर्पण कभी नहीं लगाना चाहिए, ये अशुभ प्रभाव पैदा करता है और घर में नेगेटिव एनर्जी को बढ़ावा देता है। अगर आपके बेडरूम में स्नानघर है तो उसका दरवाज़ा हमेशा बंद रखना चाहिए। तो दोस्तों ये थे बाथरूम से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को फटाफट से लाइक और शेयर कर दें, और यदि आप इस बारे में और अधिक जानकारी पाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए हमारे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राम दोस्तों।